फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मुमल क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं गोबर गैस। तो हम आज गोबर गैस के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ में अच्छा सा लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करना। तो चलो शुरू करते हैं गोबर गैस संयंत्र। तो जो गोबर गैस है उसको हम और अन्य क्या नाम दे सकते हैं, अन्य नाम? तो गोबर गैस को हम अन्य नाम दे सकते हैं बायोगैस। बायोगैस क्यों कह रहे हैं कि बायो यानी जैविक पदार्थों से प्राप्त हो रही है गैस, इसलिए बायोगैस। गोबर से मिल रही है इसलिए गोबर गैस। और ये बायो ऊर्जा का स्रोत है, बायो एनर्जी का ये क्या है, स्रोत है। यानी जैविक पदार्थों से ये प्राप्त होती है गैस। तो गोबर है वो हमारे जो पशुधन से होते हैं, पशुधन हमारा जैविक स्रोत हो गया, इसलिए हो गया बायो ऊर्जा का ये स्रोत हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि गोबर जो गैस है वो कैसा संसाधन है। तो ये संसाधन है नवीकरणीय, यानी इसको हम बार बार नया बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया नवीकृत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। दूसरी बात आती है ये कैसा है, असीमित है। यानी जब तक हमारे पास पशुधन है, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल हमको गोबर मृत सड़ी गली सामग्री मिलती रहेगी, तो हम इसको बनाते रहेंगे। तो ये कैसा है, असीमित है। और ये असमाप्य है, असमाप्य। यानी ये समाप्त होने वाला नहीं है, अक्षय संसाधन है। क्योंकि हमारा जो देश है उसकी जो अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और सभी जो लोग है पशुधन रखते हैं, और हमको पशुधन से गोबर मिलता रहेगा और हम इसको बनाते रहेंगे। तो ये नवीकरणीय, असीमित और असमाप्य संसाधन है। दूसरी बात, ये ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। यानी इसका जो निर्माण है कुछ ही दशकों में हुआ है, परंपराओं से इनको हम यूज में नहीं करते आ रहे हैं। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और साथ में ये आपका जो गोबर गैस है वो कैसा संसाधन है, आपका असमाप्य, असीमित, नवीकरणीय और गैर परंपरागत और वैकल्पिक। वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट बात आती है कि इसका प्रमुख घटक कौन है, गोबर गैस का प्रमुख घटक। तो गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है आपका मेथेन, यानी मीथेन, यानी CH4 इसका प्रमुख घटक होता है। वैसे गोबर गैस कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या पाया जाता है, गोबर गैस पाया जाता है, सॉरी मीथेन पाया जाता है। वो भी कितना, 50 से लेकर 75% तक पाया जाती है मीथेन गैस इसमें। दूसरी ओर इसमें क्या हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, 25 से लेकर लगभग 50% तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन 0 से लेकर 10% तक, और हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%, और आपकी हाइड्रोजन भी 0 से 1%, और बहुत ही कम माइनर मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन भी पाई जाती। तो इतनी सारी गैसों का ये मिश्रण होती है गोबर गैस, लेकिन मुख्य इसका घटक है मेन जो इसमें पाई जाती है 75%, वो क्या होती है, मीथेन होती है आपकी CH4। एयर ये एक ज्वलनशील गैस है मीथेन, इसीलिए हमको इससे ऊर्जा मिलती है और हमारा जो काम है वो हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि गोबर गैस बनेगी कैसे।
इसके लिए हमको जो कच्चा माल जो चाहिए वो चाहिए गोबर या सड़ी गली मृत सामग्री हमारे पशुओं की। दूसरी बात, प्राप्ति का क्या साधन है हमारे पास, इसके प्राप्त करने के लिए हमको गोबर गैस संयंत्र लगाना पड़ेगा। गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी और उसी से हम इसकी प्राप्ति करेंगे। अब होता क्या है, जो गोबर होता है वो हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है, पशुधन से जो हमको मिल रहा है कार्बनिक पदार्थ है। तो इस गोबर का यानी इस कार्बनिक पदार्थ का कुछ जीवाणु द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा इसका किण्वन किया जाता है, किण्वन फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, और वो भी वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अब्सेंट में, अब्सेंस में। तो जब इस कार्बनिक पदार्थ का जीवाणुओं द्वारा वायु की अब्सेंस में किण्वन किया जाता है तो एक गैस का निर्माण होता है, वो गैस होती है हमारी गोबर गैस यानी बायो गैस। अब ये जो जीवाणु द्वारा किण्वन जो किया जाता है वो तीन चरणों में होता है इस कार्बनिक पदार्थ का। तो जो हमारा फर्स्ट जो चरण है उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है यानी गोबर, कार्बनिक पदार्थ ये कैसा है, ये जटिल है, जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें पाया जाता है सेलुलोज और पाया जाता है इसमें हेमी सेल्यूलोज, तो ये जटिल पदार्थ होता है। तो कुछ जीवाणुओं द्वारा इस जटिल पदार्थ को सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज को किण्वन करके वायु की अनुपस्थिति में और क्या बना दिया जाता है, सरल पदार्थों में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। फिर सेकंड चरण में क्या होता है, ये जो सरल पदार्थ हमको मिले यहां, तो इस सरल पदार्थों का इसी इन्हीं जीवाणुओं द्वारा कुछ वायवीय और कुछ अवायवीय किण्वन द्वारा इन सरल पदार्थों को पहले बदला जाता है कार्बनिक अम्लों में, कार्बनिक अम्लों में, और फिर कार्बनिक अम्लों को अंत में किसमें बदल दिया जाता है, एसिटिक एसिड में यानी CH3COOH में बदल दिया जाता है। दूसरे चरण में सरल पदार्थों को पहले वायवीय अवायवीय जीवाणुओं द्वारा फ्रेगमेंटेशन करके कार्बनिक अम्लों में और अंत में उनको बदल दिया जाता है एसिटिक एसिड में। अंतिम आता है तीसरा चरण हमारा, थर्ड चरण, और थर्ड चरण में क्या होता है, ये जो एसिटिक एसिड होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण करने वाला एक बैक्टीरिया होता है यहां मेथेनो बैक्टीरियम, मेथेनो बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया द्वारा इस एसिटिक एसिड को ऑक्सीकृत करके अंत में बनाया जाता है क्या, हमारी गैस मीथेन CH4। तो इस प्रकार इस गैस का निर्माण उस जो हमारा गोबर गैस संयंत्र होता है उसमें हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि इस गोबर गैस संयंत्र के क्या लाभ है इसको लगाने से, तो कई सारे लाभ है। लाभ की मैं बात करूं, पहला लाभ तो ये कि सस्ता है ये, क्योंकि इसको स्थापना हम अपने घरों में आराम से करवा सकते हैं और गोबर इसमें डालना है वो भी हमारे पशुधन से मिल जाता है, तो सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, और साथ में ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण अनुकूल क्यों है, क्योंकि इस जो मेथेन होती है, हमारी जो गोबर गैस होती है उसमें SO2 और CO2 की मात्रा कम होने के कारण ये पर्यावरण हितैषी है। तो ये हो गया पहला लाभ। दूसरा लाभ, जब इस गैस को हम जलाएंगे तो धुआं प्लस राख नहीं बनती है, तो जो गृहिणी जो काम कर रही है तो धुआं से उसकी आंख वगैरह खराब नहीं होगी। तीसरी बात, हम इससे पेड़ों को बचा सकते हैं। और पेड़ों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जलाऊ लकड़ी हमको पेड़ों से मिलेगी, जंगलों से मिलेगी, और हम काट काट के हमको जला लेंगे, लेकिन हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है तो हम उसको नहीं काटेंगे, ये काम ले लेंगे, तो हमारा जो पर्यावरण वो हरा भरा रह जाएगा, तो ये भी इसका फायदा है। साथ में इसका जो कच्चा माल है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है गोबर, तो इसको कहीं से आयात वगैरह हमको नहीं करवाना है, तो हमारा घर में इसका काम हो जाएगा। तो ये इसके
फायदे हैं। तो सस्ता सुंदर पर्यावरण के अनुकूल है, धुआं राख नहीं छोड़ता है, पेड़ों को बचाया जा सकता है, इसका कच्चा पदार्थ कहीं से आयात भी करवाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ मात्रा में यही रोज बना लिया जाता है और इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। गोबर गैस संयंत्र के अंत में हमारे पास कुछ शेष पदार्थ अवशिष्ट बचता है, उसको कहते हैं सलरी, उसको सलरी के नाम से जाना जाता है और उससे खाद तैयार की जाती है। खाद यानी जो अंत में जो कचरा बचता है उसको सुखाकर या तो खाद बना लिया जाता है या उसे वर्मी कंपोस्ट भी तैयार की जा सकती है। और इस सलरी के अंदर NPK पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये फसल के लिए अच्छी होती है। तो इस सलरी को सुखाकर खेतों में छिड़क दिया जाता है, तो इसका अपशिष्ट भी इसमें पीछे कुछ नहीं बचता है, यानी हर सामग्री इसकी काम में आ जाती है, तो शेष बच्चे पदार्थ कहते हैं सलरी। नेक्स्ट बात कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र हेतु उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक स्थान है, अजीत मल अजीत मल स्थान पर गोबर गैस अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई 1961 में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अजीत मल स्थान पर गोबर गैस अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई है 1961 में। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो हमारा जो गोबर गैस संयंत्र वो कैसा दिखेगा, तो इसमें आपको तीन भाग मिलेंगे, एक मध्य बड़ी टंकी मिलेगी और एक साइड में छोटी टंकी इधर मिलेगी और एक छोटी टंकी इधर मिलेगी, तो इनको कहते हैं इनलेट, इसको कहते हैं इनलेट और इसको कहते हैं आउटलेट, और यहां गोबर भरा होता है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं, और ये ऊपर गैस होती है इसको गैस होल्डर कहते हैं, गैस होल्डर, और यहाँ पाइप लगी हो, पाइप लगा होता है, वाल लगा होता है, या निकास नली होती है। तो गोबर गैस के हमको दो फायदे हो सकते हैं, एक तो भोजन बनाने में, कुकिंग में, और एक लाइटिंग में, यानी लाइट भी इससे बनाई जा सकती है, मीथेन गैस है लाइट भी। ये जो क्षेत्र होता है पूरी तरह से एयर टाइट होता है, इसमें हवा नहीं होती, एवाइजे शोषण करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो, तो पूरी तरह से एयर टाइट किया जाता है, और यहाँ से गोबर को डाल के इस इंटेल में और पानी के साथ मिश्रण को यहाँ डाइजेस्ट में जला जाता है और जीवाणु यहाँ किर्मन करते हैं, जो गैस होती है ऊपर आ जाती है हल्के होने के कारण, और उसको वाल द्वारा निकास नली द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, पीछे ये जो कचरा बचता है उसको यहाँ आउटलेट में भेजा जाता है, और आउटलेट में यहाँ इकट्ठा होता रहता है, फिर यहाँ से साइड में निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं सलरी कह रहे हैं, और इसको सुखा कर इसमें जो खाद तैयार करके खेतों में इसको छिड़क दिया जाता है, और ये इतना भाग होता है वो पूरा जमीन के अंदर होता है, तो गोबर गैस जमीन के अंदर या बाहर दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, तो गोबर गैस संयंत्र कुछ ऐसा नजर आता है। ऊपर से हमें